महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देशा, धन्यो अयम, अयम माने यह धन्य है भारत देश, धन्य है यह भारत देश। यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संधोय प्रसवनी सुरभारती। धन्य है भारत देश जहां शोभायमान होती है जन के मन को पवित्र करने वाली जनमानस पावनी, जन के मन को पवित्र करने वाली भव्य भावोद्भावनी, सुंदर विचारों को जन्म देने वाली शब्द संदोह प्रसवनी, शब्द रूपी समूहों को जन्म देने वाली स्वर भारती देववाणी है। धन्य है यह भारत देश जहां क्या शोभायमान होती है। धन्यो अयम भारत देशा यत्र समुल्लसति, जहां पर शोभायमान होती है जनमानस पावनी, जन के मन को पवित्र करने वाली भव्य भावोद्भावनी, भव्य विचारों को जन्म देने वाली शब्द संदोह प्रसवनी, शब्द रूपी समूहों को जन्म देने वाली सुर, सुर माने देव, भारती माने वाणी, देववाणी है अर्थात संस्कृत है। विद्यमानेषु आज भी निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमानेषु आज भी इसका साहित्य वाङ्मय, वाङ्मय माने साहित्य, आज भी इसका साहित्य समस्त वाङ्मय में, समस्त साहित्यों में सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न है। आज भी इसका साहित्य समस्त साहित्यों में सुसंपन्न है। योमयो भाषा, योमयो भाषा संस्कृत नाम नापी लोके प्रतिथा, यह भाषा संस्कृत नाम से भी लोके माने संसार में प्रतिथा माने प्रसिद्ध है। आज भी यह काहे से, किस नाम से प्रसिद्ध है, संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण महाभारता देति काच ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वाह उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्य महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं रामायण, हमारे रामायण महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारे रामायण महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ काय में लिखे हुए, इसी भाषा में लिखे हुए। महाभारत, रामायण महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। ये मेरो भाषा सर्वसामार्य भाषा नाम जननीत मन्यते भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्वविद भी अर्थात भाषा के तत्व को जानने वाले ज्ञाता लोग, विद्वान लोग इस भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं, इस भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। कौन मानते हैं, भाषा तत्वविद भी, भाषा के तत्व को जानने वाले विद्वान लोग। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृत के गौरव को जो समस्त प्रकार के इसमें ज्ञान का समायोजन है, आश्रय है और सभी दृष्टियों से संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथमानि संयुक्त आचार्य प्रवरणेन दंडिना। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य प्रवर दंडी ने कहा था, क्या कहा है, संस्कृत नाम देवी भागानी व्याख्याता महर्षि, महर्षियों ने संस्कृत भाषा को क्या कहा है, देववाणी कहा है। संस्कृत भाषा को क्या कहा है, देववाणी कहा है। संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। संस्कृत साहित्य कैसा है, सरस है, रस से युक्त है और इसका व्याकरण कैसा है, निश्चित है, सरसम सुनिश्चितम। इसका साहित्य कैसा है, रस से युक्त है और व्याकरण इसकी निश्चित है।
तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम्, इसके गद्य और पद्य में क्या है, लालित्य है, इसके गद्य और पद्य में सौंदर्य भरा हुआ है, लालित्य भरा हुआ है। भाव बोध सामर्थ्यम, यह भाव का बोध कराने में, भाव का ज्ञान कराने में समर्थ है। अद्वितीय श्रुति माधुर्य और सुनने में भी अद्भुत है, अद्वितीय है। किम बहुना, बहुत क्या कहा जाए, चित्र निर्माणम या ऋषि सत्प्रेरणाम संस्कृत बांधवेम च ददाति न तादृशीम किंचित अन्यत्। बहुत क्या कहा जाए, चरित्र के निर्माण में जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य प्रदान करता है, बहुत क्या कहा जाए, किम बहुना, बहुत क्या कहा जाए, चरित्र के निर्माण में जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य प्रदान करता है ऐसा अन्य नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशीं विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत् तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी व्याख्या संस्कृत साहित्य में है ऐसी अन्यत्र नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य चाने के गुणा अस्य साहित्य से अनुशीलन संजायन्ते। संस्कृत साहित्य के पठन पाठन से कौन से गुण विकसित होते हैं, दया, दान, पवित्रता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य बहुत से गुण विकसित होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुल गुरु कालिदास अन्य च भास भार अभिभूत्यादयो महाकविया स्वकीय ग्रंथ रत्न अध्यात्म बाटका नाम हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुल गुरु कालिदास जी और अन्य भास भारवी बहुभूत आदि महाकवियों के ग्रंथ रत्न आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान रहते हैं, पाठक अर्थात पढ़ने वालों के हृदय में विराजते हैं। ये कवि हुए हैं भास भारवी बहुभूत, जिस संस्कृत साहित्य के महान कवि हुए, जो पाठकों के हृदय में आज भी विराजते हैं। इयम भाषा अस्माभि मातृशम सम्माननीय वंदनीय च, यह भाषा हमारे लिए माँ के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातुः, यह भारत माँ की स्वतंत्रता, गौरव, एकता, अखंडता, सांस्कृतिक मेक तत्वच संस्कृते नहीं और सुरक्षितम शक्यन्ते थे। यह भाषा हमारे लिए माँ के समान सम्माननीय वंदनीय है। यह भारत माँ की स्वतंत्रता, गौरव, एकता, अखंडता और सांस्कृतिक एकता के लिए सुरक्षित रख सकती है। यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ती, यह भाषा समस्त भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। यह भाषा समस्त भाषाओं में प्राचीन है और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुक्तम, तभी तो उचित ही कहा गया है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है।